दोस्तों आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे दुनिया के इतिहास की सबसे खूबसूरत राजकुमारियों के बारे में। हमारी इस लिस्ट में नंबर वन पर है क्लियोपैट्रा। पुराने जमाने में क्लियोपैट्रा को सुंदरता की देवी भी कहा जाता था और इसी सुंदरता के साथ साथ उनका जीवन भी काफी रहस्यमय था, जो आज भी काफी खोजकर्ताओं को उनके जीवन की ओर आकर्षित करता है। इतिहास के मुताबिक क्लियोपैट्रा जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा वो चतुर और षड्यंत्रकारी थी। पिता के मृत्यु के बाद क्लियोपैट्रा और उसके भाई को राज्य पे शासन करना था, लेकिन क्लियोपैट्रा के भाई को अपने बहन की राज्य पर सत्ता सहन नहीं हुई और इसी कारण बगावत हो गई, जिसके कारण क्लियोपैट्रा को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद क्लियोपैट्रा ने सीरिया में शरण लिया, लेकिन इस चतुर राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। क्लियोपैट्रा ने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मोह में फंसाकर उसने अपने भाई पर हमला कराया। जूलियस सीजर ने उसके भाई को मार गिराया और क्लियोपैट्रा फिर से अपने पिता के राजगद्दी पर जा बैठी। कहा जाता है कि अपने रूप को बनाए रखने के लिए वो हर रोज 700 गधियों के दूध से नहाया करती थी। हमारी इस लिस्ट में नंबर दो पर है ज़ारा खानम। इस प्रिंस का जन्म 14 फरवरी 1883 में ईरान में हुआ। अभी आप इनके चेहरे और कदकाठी को देखकर सोच रहे होंगे कि इनका नाम मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस के लिस्ट में कैसे आया। तो आपको बता दे, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और खूबसूरती का पैमाना समय के साथ बदलते आ रहा है। कहा जाता है कि उस समय ईरानियन लोग ज़ारा खानम के खूबसूरती के कसीदे पढ़ा करते थे, और तो और कई पुरुषों ने इनके प्यार में आकर आत्महत्या भी कर ली थी। ज़ारा की सोच अपने समय से कुछ ज्यादा ही आगे थी। उसने मर्दों के दौर में औरतों पे होते हुए अत्याचारों पर आवाज उठाई। वो एक आर्टिस्ट थी, लेखिका थी और एक ऐसी महिला थी जिसने ईरान में रहकर पश्चिमी कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उसने अपने पति को भी तलाक दे दिया, और जान लीजिए ईरान में उस समय ऐसा करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारे इस लिस्ट में नंबर थ्री पर है क्वीन विक्टोरिया। 24 मई 1819 को लंदन में पैदा हुई क्वीन विक्टोरिया ने 18 साल की उम्र में ही राजगद्दी को संभाल लिया था। अपने जीवन के 63 साल तक इन्होंने सत्ता को संभाला, जिसके चलते इनका नाम यूरोपियन इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले शासकों में गिना जाता है। ये महारानी खूबसूरत तो थी ही, पर साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी, यानी परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। साथ ही उनके हाथ में सत्ता की अपार ताकत भी थी, और शायद यही एक वजह थी कि उनके जवानी के समय हर एक नौजवान का दिल उनके नाम से धड़कता था। क्वीन विक्टोरिया का शादीशुदा जीवन 21 साल तक चला। वो अपने पति से काफी प्यार करती थी, लेकिन फिर जब उनके पति की मौत हो गई तब उनके प्रेम प्रसंगों के कई किस्से सुनने मिले, और जब वो भारत पर हुकूमत चला रही थी तब उनका दिल एक भारतीय नौजवान पर भी आया था, रानी पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती के नाम से भी जाना जाता था, और जो बॉलीवुड सिनेमा के बाद काफी चर्चे में रही। इसी सिनेमा के कारण आज हर कोई उनके खूबसूरती और इतिहास से वाकिफ है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि रानी पद्मिनी इतिहास के सबसे खूबसूरत रानियों में से एक है। वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग देखने के लिए उन्हें तरसते थे। हर कोई उनके खूबसूरती पे फिदा था, और इन्हीं आशिकों में से एक नाम मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भी है। रानी पद्मिनी के खूबसूरती से सम्मोहित होकर उन्होंने उसे पाने के लिए युद्ध छेड़ दिया था, लेकिन वो उन्हें कभी पा नहीं सका क्योंकि रानी ने बचने के लिए खुद को ही आग में सुपुर्द कर लिया था। महारानी इंदिरा देवी। 19 फरवरी 1892 में पैदा हुई इंदिरा देवी बड़ौदा राज्य की महारानी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि वो समय देश में उन्हें सबसे खूबसूरत महिला माना जाता था। उनका विवाह कूच बिहार के राजा जितेंद्र नारायण से हुआ। बता दे, अपने पेरेंट्स द्वारा की गई सगाई को तोड़कर उन्होंने महाराजा जितेंद्र से लव मैरिज की थी। इंदिरा देवी अपने खूबसूरती और पहनावे को लेकर हमेशा सजग रहा करती थी। देश में सिल्क और शिफोन साड़ियों का ट्रेंड लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। रानी को बनने संवरने का बहुत शौक था। उनके बारे में एक बात मशहूर है कि एक दफा उन्होंने इटली के टॉप डिजाइनर कंपनी को 100 जूते बनाने का ऑर्डर दिया, और इन्हीं जूतों को हीरो में जड़कर तैयार किया गया, और ये बात पूरे के पूरे इटली में फैल गई।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अलविदा।